पाठ 17 पत्र लेखन। पत्र लेखन लेखन कला की एक विधि है। कुछ शब्दों में अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का यह सर्वोत्तम साधन है। पौराणिक काल से इस कला का प्रयोग राजा महाराजा कबूतर के माध्यम से करते आए हैं। आज अत्याधुनिक संचार के साधनों में पत्र ने अपनी जगह बनाई हुई है। इसका कारण है कि पत्र विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का सस्ता साधन है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत पत्र, दो व्यावसायिक पत्र। एक व्यक्तिगत पत्र, जो पत्र हम अपने मित्रों एवं प्रियजनों को लिखते हैं उन्हें व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। दो व्यावसायिक पत्र, सरकारी कार्यालयों, संस्था या किसी अनजान व्यक्ति विशेष को लिखे गए पत्र अव्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। पत्र के अंग, एक पत्र लेखक का पता। पत्र के ऊपर बाईं ओर कोने पर पत्र लिखने वाले का पता रहता है। दो तिथि, पत्र के नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। तीन संबोधन, जिस व्यक्ति को पत्र लिखना है उसके लिए उपयुक्त संबोधन लिखना चाहिए, जैसे बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने वाले संबोधन। चार अभिवादन, अभिवादन में भी संबोधन के अनुरूप ही शब्द लिखना चाहिए, जैसे गुरुजनों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार शुभाशीष। पांच कथ्य विषय, यह पत्र का मुख्य अंग होता है। इसमें अपनी बात विस्तार से लिखनी चाहिए। समाचार या जिस उद्देश्य से पत्र लिखा जाता है उसका वर्णन यही होता है। छह संबंध निर्देश, इसके लिए संबोधन के अनुरूप शब्द लिखना चाहिए, जैसे गुरुजनों के प्रति आपका आज्ञाकारी और छोटों के प्रति तुम्हारा हितैषी आदि। सात हस्ताक्षर, संबंध निर्देश के ठीक नीचे साफ अक्षरों में हस्ताक्षर करने चाहिए। आइए कुछ पत्रों के नमूने देखें। पांच दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मुझे मेरी बड़ी बहन के विवाह के लिए अपने परिवार के साथ मेरठ जाना है, अतः मुझे 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी छात्रा पूजा। कक्षा दिनांक। अपने क्षेत्र की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली। विषय अपने क्षेत्र की सफाई हेतु पत्र। मान्यवर, अपने इस पत्र के द्वारा मैं आपका ध्यान सफाई के अभाव में अपने क्षेत्र की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले कई सप्ताहों से नगर निगम का कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आया, इसलिए जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सीवरों की सफाई भी काफी समय से नहीं हुई है। उनसे निकला गंदा पानी कूड़े के ढेरों से मिलकर दुर्गंध फैला रहा है। चारों ओर मक्खियों मच्छरों का राज हो रहा है। बरसात शुरू होने वाली है। यदि इस क्षेत्र की शीघ्र सफाई ना हुई तो यहाँ की क्या दुर्दशा होगी, आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। हमें आशा है कि आप हमारा अनुरोध स्वीकार कर तुरंत कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद, भवदीय मनोज सिंह। पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें भिजवाने के लिए पत्र। सेवा में व्यवस्थापक, क ख ग पब्लिशिंग कंपनी, शास्त्री नगर, नई दिल्ली। दिनांक 6-8। महोदय, मुझे आपके द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, जिनकी सूची नीचे दी गई है। आपसे अनुरोध है कि आप ये पुस्तकें मेरे पते पर VPP से भिजवाने का कष्ट करें।
मैं 500 रुपए की राशि इस पत्र के साथ अग्रिम भेज रहा हूँ। पुस्तकें भेजते समय उचित कमीशन काटना ना भूलें। धन्यवाद, समीर। संख्या, पुस्तकों की सूची, इकाइयां। 1, समर सचित्र हिंदी मानक व्याकरण भाग 5, 2 प्रतियां। 2, समर चरित्र संस्कृत व्याकरण भाग 0, 3 प्रतियां। 3, कमल हिंदी व्याकरण एवं रचना, 2 प्रतियां। 4, कमल संस्कृत व्यापक एवं रचना, 2 प्रतियां।